हमें जब भी किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है तो हम तुरंत उसे सर्च करके ढूंढ लेते हैं। हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सारी इन्फॉर्मेशन किसी ना किसी वेबसाइट की होती है। एक वेबसाइट वेब पेजों की कलेक्शन से बनती है और सारी वेब पेजेस इंटरनेट सर्वर में स्टोर होके रहते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि एक वेबसाइट कैसे बनती है और किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो एक वेबसाइट बनाने के लिए हमें HTML की ज़रूरत है। HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक कोडिंग लैंग्वेज है जिसे बनाया गया है टिम बर्नर्स-ली द्वारा 1993 में। HTML का अब तक 5 वर्जन्स निकल चुका है, जो कि HTML 1.0, 2.0, 3.2, 4.01 और 5, जो कि आपका करंट वर्जन है। एक वेबसाइट HTML के बिना नहीं बनाया जा सकता। वेबसाइट में नेविगेशन बार, लिंक्स, फोटो, पैराग्राफ्स, ये सब HTML की सहायता से बनाया जाता है। मार्कअप लैंग्वेज एक वेबसाइट की स्ट्रक्चर को बनाने में काम आती है। आप चाहे तो कोई भी वेबसाइट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं राइट क्लिक करके, तो आपको HTML देखने को मिलेगा। HTML आज के दिन में सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाले लैंग्वेजों में से एक है। अगर आपको भी एक वेबसाइट बनानी है तो आप HTML सीख सकते हैं, पर इससे सिर्फ आप एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर ही बना पाएंगे। अगर आपको एक अच्छी वेबसाइट बनानी है तो आपको CSS और JavaScript जैसे लैंग्वेज भी आनी चाहिए, और इनके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको एक वेब डेवलपर बनना है तो आप HTML शुरू कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।